गुलबर्गा शहर में बकरीद के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी गरीब किसानों के जानवर पकड़कर उनके साथ जुल्म करने के वाकये पेश आ रहे हैं। इस मौके पर दलित सेना प्रेसिडेंट हनुमान दलसंगी ने कहा, कुछ गुंडे हिंदू संगठन और गौ रक्षक के नाम पर गरीब मुसलमान और हिंदुओं के जानवर पकड़कर उनके साथ मारपीट कर परेशान कर रहे हैं। हनुमान दलसंगी ने कहा, जब गरीब किसान अपने जानवर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कहीं से खरीद कर अपने खेतों को ले जा रहे हैं, तो कुछ रौड़ी गुंडे सड़कों पर उन्हें रोक कर डरा कर उनके जानवर छीन रहे हैं। हाल ही में जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट और हेल्थ ऑफिसर के रिसिप्ट रहने के बावजूद एक गरीब को परेशान कर उसके जानवर पकड़कर ग्रामीण पुलिस स्टेशन को ले जाया गया है। इस मामले में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट दलित सेना यूथ कमेटी ने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट कर गरीब किसानों को परेशान करने वाले रौड़ी गुंडों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालिबा किया है। पिछले साल भी देखा गया है कि जानवरों के हेल्थ और ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट होने के बावजूद उन जानवरों को पकड़कर गौशाला भेजा गया और कुछ दिनों बाद वहां से सारे जानवर गायब हो गए थे। गौरक्षक के नाम पर कुछ गुंडे जानवरों को पकड़कर दूसरे स्टेट के काउ स्लॉटर हाउस को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब किसान बेहद परेशान हैं। और हनुमान दलसिंगी ने कहा, दो दिन पहले अलन चेकपोस्ट पर गाय और भैंस मौजूद एचर गाड़ी को पकड़ने का मामला पेश आया है और इस मामले पर न्यूज बनाते हुए कनाडा यूट्यूब चैनल ने मुस्लिम पंडोरू यानी मुसलमानों को टारगेट कर बार बार कनाडा में मुस्लिम गुंडे कहकर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने का काम किया है। यलसंगी ने इस मामले में कहा, अलन चेक पोस्ट पर हिंदू संगठन के नाम पर कुछ गुंडे सड़कों पर इलीगल जानवरों की गाड़ियां पकड़कर उनके साथ मारपीट कर रहे हैं और कनाडा यूट्यूब चैनल ने उल्टी न्यूज चलाकर मुसलमानों को गुंडा कहकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। अगर कोई इलीगल तरीके से जानवरों को ले जा भी रहा है तो उनको रोकने का काम पुलिस ऑफिसर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का है, पर कुछ गुंडे जानबूझकर कानून को अपने हाथ में लेते हुए गरीब किसानों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे लोग सड़कों पर किसानों को परेशान कर रहे हैं और जानवरों को पकड़कर उनको बेचकर पैसा कमाने का धंधा शुरू किया है। यलसंगी ने कहा, इस तरह की हरकत बीजेपी हुकूमत में हो रही थी, पर अब कांग्रेस की हुकूमत में भी कुछ गुंडे माहौल खराब कर रहे हैं और गवर्नमेंट की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। हैरानी की बात तो यह है कि प्रेग्नेंट भैंसों को भी पकड़कर केस किया जा रहा है, जिनको किसान अपने खेतों में ले जा रहे थे। इस मामले में यलसंगी ने कहा, अगर पुलिस कमिश्नर और गुलबर्गा डीसी सड़कों पर घूम रहे गुंडों पर रोक नहीं लगाएगी तो दलित सेना टीम इनको रोकने का काम करेगी। मजीद हनुमान यलसंगी ने इस मामले पर क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga. Jai Tipu Sultan, Jai Sultan. Ab Gulbarga mein kuch log Hindu ke naam se, Hindu Sangathan ke naam se jo gundagardi din dhaadi kar rahe hain, ye jo gareeb farmers hote hain, Hindu ya Muslim koi bhi gareeb farmers, ek jagah se जानवर परचेज करके दूसरे जगह पर लेकर जाके सेल करना या खुद के लिए यूज करना या उनके खेती बाड़ी के लिए यूज करना, उन्हीं के लिए कुछ लोग परचेज करके लेकर आ रहे। उसी जो गरीब इनोसेंट लोगों को जो हिंदू संगठन के नाम से गुलबर्गा में कुछ जो अनएम्प्लॉयड बेकार लोग संगठन के नाम से और कुछ गुंडे लोग भी है उसमें, रोडी सीटर है उन लोगों में, वो लोग आके वो गाड़ी ठहरा करके उनका रिसिप्ट नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं देख रहे और उनको मारना, उनके पास पैसा छीनना और मोबाइल लेना और ब्लैकमेल करना, ये धंधा कर रहे हैं। और जो रिसिप्ट होने के बावजूद संगठन के नाम से कुछ पुलिस को लेकर जो फॉल्स जो काउ स्लॉटर एक्ट में उनके ऊपर कंप्लेंट भी करवा रहे हैं, ये तो गलत, टोटली गलत हो रहे हैं। अभी ये ग्रामीण पुलिस स्टेशन में मैं एग्जाम्पल बोलता हूँ, अभी मेरे पास लाइव ये है बात किया तो, अभी ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके पास ट्रांसपोर्टेशन रिसिप्ट है, हेल्थ ऑफिसर रिसिप्ट सर्टिफिकेट किया तो डॉक्यूमेंट्स सब डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी फॉल्स कंप्लेंट डाल देते हैं। मैं पूछता हूँ भाई क्या बात है, कंप्लेंट नहीं साहब गलती हो गई हमसे, जो तुम्हारे पुलिस स्टेशन में एक भी काउ स्लॉटर एक्ट में केस रजिस्टर नहीं हुआ, इसलिए हम साहब बोला कि एक केस करो बोल के हमने केस किया, क्या एक बाप की राज चल रहे हैं गुलबर्गा में, तुम्हारी मर्जी आता किसके ऊपर केस करना, तुम्हारी मर्जी आता किसको छोड़ देना, और कोई गुंडा लोग आके रोडी शीट जाके रोड के ऊपर खड़े होकर रात खड़ा होकर जो ये गाड़ी गाड़ी के गरीब लोगों को ड्राइवर को मार रहे हैं, किन्नर को मार रहे हैं, जो जानवर परचेज करके आए हैं जो उनको जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने अभी हमारे दलित सेना की यूथ कमेटी की तरफ से पुलिस कमिश्नर गुलबर्गा आज एक कंप्लेंट दे रहे हैं और एक गुलबर्गा फर्स्ट बोल के कुछ कन्नड़ा न्यूज फर्स्ट बोल के न्यूज फर्स्ट कन्नड़ा यूट्यूब चैनल है वो, उसमें कुछ गुंडे कुछ पुंडरू कुछ गुंडे मुसलमान हिंदू संगठन हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया बोल के एक दंगा फसाने काम कर रहे हैं। कौन है वो चैनल, किसने परमिशन दिया उनको,
पुलिस कमिश्नर एंड डीसीपी गुलबर्ग उनको थोड़े देखना कौन है उनके, और कहाँ जर्नलिज्म कंप्लीट किया और किए हो, कहाँ उसका ट्रेनिंग हो गया, कैसे यूट्यूब चैनल के लिए कौन परमिशन दिया, ये धंधा करे यूट्यूब चैनल के नाम से, जर्नलिज्म के नाम से लोग, वे मुसलमान गुंडा गुंडा लोग गुंडों से ये हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को हिंदू संगठन को हमला बोल के लिए कौन मारे, किसको मारे, ये नहीं होना, पुलिस तुरंत उनको पे एक्शन लेना। ये क्या अभी फार्मर के खेती बाड़ी करने के लिए परचेज करके लेकर आता है, ये लोग कौन होता तो माइकल ले पकड़ के इनको ये करने का मारने का, इनको मारने का परमिशन कौन दिया, इनके पुलिस गिरी करने के लिए कौन बोले उनको, ये पुलिस गिरी नहीं चलते, अगर तुम्हारा पुलिस गिरी करना है तो बोल दो, हम भी तैयार है, दलित सैनिक लोग आते हैं, तुम के माइके कितने लोग आते हैं हम देखने के लिए तैयार है, पिछले 2-3 साल से हम मुसलमान भाइयों के साथ है, दलित पूरा टीम साथ है उनके, अभी उनके साथ खड़े रहेंगे, अगर है तो बोल दो हम आते, तुम लोगों को देखने के लिए कैसा पुलिस गिर करता हूँ, ये नहीं होना, पुलिस उनके ऊपर एक्शन लेना, गुंडा लोग आके रात भर के घूम रहा रोडिज्म कर रहे, क्या कर रहे पुलिस पुलवा के, पहले बीजेपी सरकार को हम बोल रहे एलिगेशन करते थे, बीजेपी सरकार कमल सरकार मुसलमान को दलित के ऊपर हमला करे बोल के, एक कौन सा सरकार अभी ज्यादा हो रही कांग्रेस सरकार में, नहीं देख सकते इन लोगों को, बोलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहे, गरीब लोगों की रक्षा करना है ना, फार्मर्स को रक्षा करना है ना, और काउ सलाटर एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है सेक्शन 4 में, एक जगह से एक जगह पर जो गरीब जो फार्मर्स है जो खेती बाड़ी के लिए लेकर जाने के लिए सूट है, ये क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट होने के बाद परमिशन होने के बाद लेटर होने के सर्टिफिकेट होने के बाद भी केस किए तुम लोगों, ये एग्जांपल ग्रामीण पुलिस स्टेशन में है, ये नहीं होना, अगर ये लोग ऐसे चालू करते तो हम रोड को आना पड़ता है, ये ठीक नहीं होगा, देखो ये लोग हिंदू गुंडे लोग हिंदू के नाम से, मैं भी हिंदू हूं, हम गुंडागिरी नहीं करते, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर मानते हैं, टीपू सुल्तान को मानते हैं, बसवण को मानने वाले लोग हैं, शरण बसवेश्वर मानने वाले लोग हैं, खाजे बंदे मानने वाले लोग हम, ऐसा गुंडागर्दी इनलीगल नहीं करते हम, तुम लोगों ने गौ माता की रक्षा करते बोलते हैं, हजारों गाय लोग तुम लोग सीज करवाए अभी, गाय सब गाय भैंस कहा है, एक तो बता दो, ये साले लोग गुंडागर्दी कर लेकर जाके कोई हिंदू गौशाला में रख देते हैं, वो गौशाला हराम को वो वहां गाय मरे बोल के हैदराबाद कसाईखानों की सेल कर रहे हैं, हमें मालूम है ना, अभी एक अपना क्या नाम उसका वो केसव प्रतापगढ़ के गौशाला के मेंबर बोल के घूमता था, वो उसका ऊपर केशव मोटगी बोल के एक हिंदू नाम के गौशाला के स्टेट मेंबर वो बोल के बोलता था, उसके गौशाला से जानवर गायब है बोल के उनके ऊपर ग्रामीण केस रेट हो गया, और अपना रेवगी कालगी रेवगी जो गौशाला में कुछ गाय भेजे थे और वहां की गौशाला में गाय नहीं है, अभी भी लेकर जाके वहीं रेवगी में रख रहे, वहां कुछ गौशाला रेवगी में सब एक एक गाय मर गया बोल के रिपोर्ट तैयार कर रहे, कहां जा रहे सब, ये हिंदू जो गुंडे लोग उसमें शामिल है लोग, इन लोगों पर तुरंत एक्शन लेना है ना, डीसी क्या करे गुलबर्ग के, एसपी क्या करे गुलबर्ग के, कमिश्नर क्या करे गुलबर्ग के, ये जो गुंडा गो माफिया जो कसाई खाने के जो टीम से शामिल होकर कसाई खाने के माफिया के साथ शामिल होकर ये लोग जो जानवर सप्लाई करने के बीजे है, तो क्या करे पुलिस डिपार्टमेंट वाले, गरीब फार्मर को एक्शन लेते तुम लोग, गरीब लोगों को क्रिमिनल केस कर देते तुम लोग, उन लोगों को जो कल ये जो ग्रामीण में केस रेट होता भैंस लेकर आए लोग, वो तो प्रेग्नेंट भैंस है, वो लोग घर के लिए भैंस लेकर आ रहे, किसी एक जगह से जेल करने के लिए प्रेग्नेंट जो है भैंस लेकर आ रहे, वो कसाई खाने के लिए तुम लेकर काटने के लिए ला रहे, वो बकरी के लिए लेकर आ रहे बोल के उसको सीज कर तुम लोग, एक इंसान ना इंसान है क्या, नहीं है ह्यूमैनिटी है क्या ना तुम लोगों पर, एक्ट तो पड़ा पहले कि गांव सला ट्रैक्टर एक्ट क्या है, वो गांव ट्रैक्टर में लारी में लेकर आ रहे, उसको पानी नहीं दे रहे, उनको गर्दन को ये कर रहे, कैसा करते थे, एक एक लारी में चार नहीं ला सकते, ये भी देखे ना पुलिस को FIR ये गुंडागर्दी नहीं करना चाहिए, अगर गुंडागर्दी ऐसा चलता तो हमको आना पड़ेगा वो बीच रस्ते पे, अच्छी ठीक नहीं होगा। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hill Circle Ring Road, Gulbarga.